तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो लखन और गौरी दोनों भी सुबह में खेल कूद कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी मूंगफली की पत्ती गिरी हुई है जो कि गौरी भी यहाँ से खा लेगी थोड़ी देर में, फिर अपने आप ही सामने वाले खेत में चली जाती है। तब मांस लगाना है, बाकी इसे तो कोई दिक्कत नहीं। खुराक आज उसने खाई नहीं, खुराक के लिए इसको बाहर निकाला, लेकिन लखन के साथ इधर आ गई। यहाँ पे राम जी और गौरी है, सॉरी राम जी और लक्ष्मी खुराक खा रहे दोनों। इनकी कोई दिक्कत नहीं, ये बंदे रहते तो ये खाते हैं, बोरी खुली रहती है तो जब मर्जी तब खाते हैं, नहीं तो फिर चली जाती है। अभी देखो लखन के साथ मस्ती कर रही है, और पहले लखन को ऐसे अगर मारती थी तो लखन पीछे हट जाता, लेकिन अब वैसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो करते हैं कोशिश कि गौरी को लखन हरा दे, और गौरी कहती है कि लखन को हरा दे। देखो ऐसा चलता है उनका, और अभी जा रहे हैं और ये कहाँ जाएंगे इनका कुछ कह नहीं सकते, किधर भी चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर ऐसे ही भागेंगे, और भागते भागते जो हमने मूँगफली ढकी उसके ऊपर भी चले जाते हैं, और जो चारा है चारे के ऊपर भी चले जाते हैं। वो कागज़ के ऊपर पैर रखते फिर वो कागज़ फटता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत ये एक सोच के छोड़ देते कि चलो जाने दो, बच्चे हैं, बड़े रहते तो बांध के रखा जाता है, लेकिन बच्चे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देते। अभी लखन भाई सब भाग रहे, उनके पीछे आई गोरी। देखो अभी चले गए दोनों उन छोटे चारों शैतानों के पास, और कब कहा जाए कुछ कह नहीं सकते, अचानक से सीधा फसल में भी भाग जाते हैं। और इस साइड में चाचा जी और छोटा भाई फार्म के अंदर वाली गाय खोल रहे हैं। चारा सभी जगह हरा डल चुका है, अभी ये सभी गाय खाएंगी। अभी खुराक की कड़ाई धोनी बाकी है, अभी खुराक इन्होंने खाई है और अभी ये चारा खाने के लिए सभी गाय खुल रही है। और मैंने छोटे चारों शैतानों को भी चारा डाल दिया, वो भी यहाँ पे चारों खा रहे हैं, और ये दोनों अभी फिलहाल यहीं पे हैं। घोड़े पे थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी, बैल दोनों यहीं पे हैं, तो बैल एक तो यहीं पे बांध देंगे या फिर चराने के लिए ले जाएंगे, तो उनको भी टाइम है। अभी उस वाले फार्म की सफाई बाकी, यहाँ पे भी सिर्फ कड़ाई धोनी बाकी है। और अपनी बोरवेल की मोटर कल दोपहर के बाद बंद हो गई है, बंद मतलब मोटर चल रही है लेकिन पानी ऊपर नहीं आ रहा, तो हुआ क्या है मोटर में वो देखने के लिए आज मोटर खोलने वाले हैं। खोल के देख लेते हैं कि हुआ क्या है। मोटर का तो आवाज़ आता है, मोटर चलती है, सिर्फ पानी नहीं आ रहा, तो वो देख लेते हैं बोरवेल में फुल पानी ऊपर तक, और पानी क्यों नहीं आ रहा वो अभी हमें देखना है, तो उसको भी खोलने की तैयारी करते हैं। सारे काम निपटा लिए, तो अभी मैं पहले मोटर बाहर निकालता हूँ फिर उसको खोलता हूँ। तो अभी मोटर को बाहर निकाल लिया है, अभी इसको खोलते हैं और इसमें दिक्कत क्या है वो देख के इसको रिपेयर करते हैं। तो भाई हमने अभी अपनी मोटर को पूरा खोल दिया है, एक एक पार्ट्स अलग अलग कर दिए मैंने, और फॉल्ट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मोटर भी सही चल रही है, सारे पार्ट्स भी सही है, कोई टूटा नहीं है, कुछ हुआ नहीं। फिर भी पानी ऊपर नहीं आ रहा था बोरवेल से, तो अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि फॉल्ट किस जगह में है। तो पहले जैसा था मैं वैसे ही इसको पूरा जोड़ने वाला हूँ, जोड़ के फिर से ट्राई करते हैं। पानी में बोरवेल के अंदर नहीं डालेंगे, बाल्टी में पानी लेके फिर ट्राई करेंगे। पहले तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था, मोटर पहले भी चलती थी अब भी चल रही है, तो पहले जैसा पहले इसको जोड़ लेता हूँ फिर बाल्टी में ट्राई करेंगे। अगर चल गए तो ठीक है, अगर नहीं चली तो फिर देखना पड़ेगा और क्या दिक्कत है। तो भाई अभी अपनी बोरवेल की मोटर हो गई है चालू, और इतना पानी अभी आ रहा है, तो अभी देखो पाइप से बहुत कम पानी आ रहा है, मतलब आधा पानी सीधा कम हो गया। पहले बहुत सारा पानी आता था, अभी सीधा आधा पाइप आने लग गया है, मतलब आधा पानी कम हो गया। तो फॉल्ट हमें दिख गया है, लेकिन उसका कोई इलाज है नहीं क्योंकि वो सारे पार्ट्स नए डलवाने पड़ेंगे, पार्ट्स खराब हो चुके हैं। तो अभी पानी इतना ही आएगा, धीरे धीरे करके मोटर सीधा घूमेगी, लेकिन पानी आना ही बंद है, पूरे पार्ट्स घिस जाएंगे। तो अभी पानी आधा आ रहा है, तो हमें ज़्यादा टाइम मोटर नहीं चलानी पड़ेगी। ये खुराक की गोनी गीली करने के बाद बंद कर दिया करेंगे, टंकी में ज़्यादा पानी नहीं स्टोर करेंगे। पहले हम पूरा दिन चलाते थे, अब हम जितना खुराक की गोनी के ऊपर पानी लगेगा उतना ही चलाएंगे, ज़्यादा चलाएंगे तो जो आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, तो हमें वो पार्ट्स नए मंगवा के अपनी मोटर में बिठाने पड़ेंगे, तब मोटर सही से चलेगी। तो अभी तो मोटर डाल दी है और पानी इतना आ रहा है। तो भाई फिर से पानी देखो कल की तरह आने लग गया है, और एक ही घंटा मोटर चली, एक ही घंटे में पानी अभी बहुत कम हो गया। तो रिपेयर तो अभी की थी, अभी फिर से बंद हो गया, तो अभी मुझे लगता नहीं अब कुछ करने से पानी आएगा,
एक तो फिर वो पार्ट चेंज करने पड़ेंगे या फिर मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी पूरी। तो अभी तो इसका कोई हल है ही नहीं। देखो आवाज़ आ रहा है, मोटर चल रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा। तो मुझे लगा था कि कुछ दिन चलेगी लेकिन ये तो कुछ मिनटों में ही ख़त्म हो गया। तो आज से फिर आके गोने के ऊपर पानी डालने का कुछ नया तरीका देखना पड़ेगा। ये वाला तरीका तो काम नहीं कर रहा। या तो फिर मोटर ले लो 500-600 की नई, या फिर वो पार्ट्स मार्केट में जाके देखना पड़ेगा मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, क्योंकि आज तक तो जहाँ भी मार्केट में गए वो पार्ट्स तो मिले नहीं है। अभी ऑनलाइन भी नहीं मिले, ऑनलाइन भी चेक किया मैंने। तो अभी देखते कोई नया हल ढूंढना पड़ेगा। तो अभी लखन भाई साहब ये रहे सामने, अभी अंगड़ाई ले रहे वो, और इस साइड में लक्ष्मी और राम जी, और अभी ये खा रहे सूखा चारा, सुबह तहारा पानी पी के अभी सूखा खा रहे अभी शाम का टाइम है। और हम घर पे गए थे, अभी आए यहाँ पे, छोटा भाई था फार्म पे और पिताजी थे। तो फार्म के अंदर वाला गोबर है थोड़ा बहुत बाकी, जो कि अभी हम उठा लेंगे। फार्म के अंदर है फिलहाल सभी गायों की शांति, और बीमार कबूतर को सिर्फ अभी हम दवाई देते हैं, बाकी खाना वो खुद से खा लेता है। और अपनी बोरवेल की मोटर आज सुबह सिर्फ एक आध घंटा चली, उसके बाद फिर से वो वही पुरानी प्रॉब्लम आ गई। तो मोटर का भी बंद ही रखा है आज, और उसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे तभी चालू होगी। आज खुराक के गोने के ऊपर पानी नहीं छोड़ा है बिल्कुल नहीं, बिना पानी की खुराक की गोने आज। तो कल देखते हैं मोटर का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो होगा, तो अगर नहीं रिपेयर हो पाई तो फिर और कुछ और नया देखेंगे, अगर हो गई तो ठीक। तो अभी फ़िलहाल बंद है। और इस साइड में चाचा जी ट्रैक्टर में डीजल चेक कर रहे हैं, क्योंकि पास में ही जेसीबी आई है खेत में पाइपलाइन खुदवाने के लिए। तो अपने सामने वाले खेत में गोबर खाद डलवानी है, तो टाइम मिला तो आज डलवा लेंगे जेसीबी से ड्रो ट्रॉली। तो इसीलिए ट्रैक्टर के अगले उधर वाले पहिए में हवा कम है, उधर वाले में उसमें भी हवा भरनी पड़ेगी, पंचर है वो, तो अपना काम चल जाएगा। तो देखते हैं अगर उजाले में काम हुआ तो रात को तो नहीं डालनी, अगर उजाले तक काम हो जाएगा उनका तो अपना काम भी करवा लेंगे। छोटे सभी 6 शैतान है सामने, चुटकी और चुटकी भी उन्हीं के साथ है, तो उनको भी छोटे भाई चारा पानी कर दिया है। उस वाले फार्म की गाय सुबह चाचा जी चारा रहते, अभी दोपहर के बाद छोटा भाई गया, और सुबह भी और आज भी, आज पूरा दिन फार्म पे चारा डाल दिया उनको। सामने देखो सुमन इधर आ चुकी है, खेत में जाएगी, पूरा खेत खाली, कोई दिक्कत नहीं। चाचा जी भी सामने गाय बांध रहे। तो अभी 5 बजने में है, तो करते हैं फटाफट से सारे काम। अभी फार्म के अंदर सिर्फ गोबर उठाना बाकी, वो उठा के गाय को खुराक रखनी है, फिर के फार्म के अंदर चारा भी डालना है। और सामने पिताजी खेत में हल चला रहे, और ये अपना मूँगफली वाला खेत है सामने वाला, उसी में खेत पहले वो एक समान कर रहे, अगर उधर भी गोबर खाद डालनी रहेगी तो फैलाने के लिए आसानी रहेगी। तो भी वहाँ पे उनका काम चल रहा है, तो भी हम फार्म के अंदर वाला गोबर उठा लेते हैं। तो अभी फार्म के अंदर इन चारों शैतानों को लेके आ चुके हैं, ये रहे चारों शैतान। तो पानी पिला दिया है इनका चारा, सेफ्टून के अंदर रख दिया है, पानी रखना है बाकी सेफ्टून के अंदर, जो कि अभी हम रख देंगे। लखन भाई साहब भी फार्म के अंदर आ चुके हैं, और ये भी अभी इनको पानी पिला दिया है, थोड़ा बहुत पिया है उन्होंने पानी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो पानी पिलाना पड़ता है। लखन को भी पिला दिया, और इस साइड में है चुटकू की माँ, और खारी ये चारा और सूखा चारा, तीन तरह का मिक्स मैंने भी फार्म के अंदर डाल दिया है। और अपने सभी गायों को भी बांध के खुराक भी दे दी है, तो इनका भी काम हो गया है। बाहर की साइड लक्ष्मी और राम जी और गौरी ये तीन हैं, तो गौरी ने थोड़ी खुराक खाई, फिर बाद में राम जी और लक्ष्मी को साथ रख दी, उन्होंने भी खा ली, और उनका भी काम हो चुका है। और अभी जो बैल है उनका हल चलाया काम खेत में था, क्योंकि भी पिताजी ने थोड़ा टाइम रोक दिया है, तो सामने है अपने बैल, तो उनको भी फार्म पे चारा डालना पड़ेगा, तो उनके लिए भी डाल के रखता हूँ थोड़ा, बाकी उन्होंने दोपहर को भी यहीं पे फार्म पे खाया है। और सामने अभी सिर्फ 2 शैतान बाकी, चुटकी और चुटकी वो कि जाएंगे उस वाले फार्म पे, ट्रैक्टर को भी रेडी करके रखते, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर जाने देंगे। और बोरवेल की मोटर का तो आज तो पूरा दिन चल रही नहीं, कल दोपहर के बाद भी बंद थी, तो अभी देखते क्या कर पाते हैं, ना तो फिर ये बंद ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं है अपने पास। अपने पास पुरानी स्प्रे पंप की 2 मोटर है घर में, पुरानी पड़ी, वो भी इसी प्रॉब्लम की वजह से बंद पड़ी है। तो मैं उनके पार्ट्स अदला बदल करके दूंगा, उनके इधर इसके उधर ऐसे करके दूंगा, अगर चल गई एक हाथ
तो चलाएंगे। और ये अगर इतनी ख़राब होती है नहीं, इसका एक ही कारण है ख़राब होने का, क्योंकि दोपहर के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सोलर ज़्यादा सप्लाई देती है, तो सीधी सप्लाई अपनी मोटर को मिल रही थी, तो इसी वजह से अपनी मोटर ने सारे पार्ट्स को ख़राब कर दिया। अगर अपने पास स्पीड कंट्रोल रहता तो हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके उसको मैनेज कर लेते, लेकिन फ़िलहाल अपने पास था नहीं, जो पुराना था वो भी ख़राब हो गया था, सोलर ज़्यादा सप्लाई दे रही थी, इस वजह से तो अभी फ़िलहाल बंद पड़ा है। तो देखते हैं कल हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर देखा जाएगा बाद में। और इस साइड में अपनी मूँगफली ऐसे ही सूख रही है, उनको भी अभी ढकना पड़ेगा। तो पहले बेलों के लिए थोड़ा चारा डाल के रखता हूँ, फिर मूँगफली सुखाए मूँगफली ढकने का काम करेंगे। तो अभी डॉग को खाना मिल रहा है, ये चारों यहाँ पे खा रहे हैं, मोती उधर की साइड है, और ये अपना गर्दन टेढ़े हुए भाई साहब अभी तक नीचे ही है, और इनको भी करना पड़ेगा बंद। वो गोल गोल राउंड लगा रहे, अभी भी उनकी गर्दन सही से नहीं होती सीधी, लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी अच्छा खासा खा लेता है। तो हमें सिर्फ दवा का काम है अभी, पहले हमें हाथों से खिलाना पड़ता था, अब वो खुद से खा पाते हैं। और ये अभी तक जा नहीं रहे अंदर, कल हमें 6 से 7 मिनट लग गए थे इन सबको अंदर बंद करने में, अंदर वाले बड़े इनको आने नहीं देते, तो इनके घर का भी काम जल्द से जल्द करवाना है। कल देखेंगे, कल टाइम मिला तो कल इनका घर का काम करूँगा। और सामने गौरी की माँ खा रही, बाकी कुछ गाय इस साइड में खा रही है सभी। चुटकू की माँ पहले खा लेती है तो साइड आ जाती है। सेप्टू में सभी छोटे शैतान हो गए बंद, बेलो दोनों बंधे हुए सामने, उनको भी चारा डाल दिया है। और अभी चाचा जी कर रहे हैं इनको बंद, बड़ा वाला बाम्बू ले लेते हैं, फिर यहाँ वहाँ से उनको इकट्ठा करके फिर घर के अंदर बंद करते हैं। तो ये देखो ये घूम रहे, जाएंगे धीरे धीरे करके, वे सब जाने के बाद ही इसको बंद करेंगे, नहीं तो फिर इसके घर के जाके अंदर इसको मारते हैं। तो अभी कोशिश करेंगे हम इनको जल्द से जल्द बंद करने की। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।